नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फल हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और इन्हीं फलों में से एक होता है रसबरी, जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ये खरपतवार के रूप में उगता है सड़क किनारे, है ना, खेतों में अपने आप ही खरपतवार के रूप में उग जाता है, लेकिन लोग इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके फायदों के बारे में वो अवेयर नहीं रह पाते। दोस्तों, इतने बेहतरीन फायदे हो सकते हैं। आपने रसबरी के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बताया गया कि रसबरी के ये फायदे होते हैं, वो फायदे होते हैं, लेकिन इसको सेवन करने का तरीका जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपके शरीर में ये फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रसबरी को आपने किस प्रकार से सेवन करना होता है और किन किन समस्याओं को आप इसके थ्रू ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले पहचान करा दूं इस औषधि की। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं, इसके फूल होते हैं, इसके हरे कलर के छोटे टमाटर की तरह फल होते हैं जो कि पकने के बाद लाल और पीले कलर के हो जाते हैं, और ये फल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, रसभरी में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी सेहत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि रसभरी किन किन समस्याओं को दूर कर सकती है। देखिए, अगर आपको शुगर की कोई समस्या रहती है तो आप 2 कप पानी में थोड़ी सी रसभरी डालकर तब तक उबाले जब तक कि पानी आधा ना हो जाए, और रोजाना सुबह इस पानी का सेवन करने से आपकी शुगर की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन आपको इसकी कंटिन्यूटी रखनी है, सुबह खाली पेट ही आपको इसका सेवन करना है। महीने भर भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके डायबिटीज, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा। और दोस्तों, जिनको लंग कैंसर की शिकायत रहती है, महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे में भी आप इस समस्या को दूर करने के लिए रसभरी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, रसभरी में पॉलीफिनोल, कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी लंग कैंसर की समस्या को दूर करने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आपकी कोई आंखों से संबंधित समस्याएं रहती है, आजकल आंखों से संबंधित बेहद ही ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही है, छोटी सी उम्र में चश्मा चढ़ जाता है, आंखें वीक हो जाती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, जाला आ जाता है, तो ऐसे में रसभरी में विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आंखों से संबंधित समस्याओं को एटलीस्ट दूर करने का काम करता है। देखिए, इसके लिए आप रोजाना रसभरी का सेवन करें जिससे आंखों से जुड़ी समस्याएं बेहद ही जल्दी ठीक होती है। आप इसे आसानी से कच्चा खा सकते हैं या फिर आप इसे सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों को दिल से संबंधित कोई समस्या रहती है, ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है हमारा हार्ट, या फिर आपको सीने में अचानक से दर्द होने लग जाता है, तो ऐसे में भी रसभरी का सेवन आप बखूबी रूप से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपने सिंपली क्या करना होता है, जो रसभरी औषधि है इसकी जो पत्तियां होती है, आपने सिंपली 5 से 6 पत्तियों को तोड़कर इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, और इसके बाद में आपने इन्हें पीस कर इसका जो रस निकलता है उस रस को आपने 10 से 15 मिनट तक गर्म करके उसके बाद में इसको सेवन करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर साबित होते हैं। और अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, और बुढ़ापे में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, शरीर में कहीं भी दर्द हो, जॉइंट पेन हो या गठिया की शिकायत हो, कमर दर्द हो, हाथ पैरों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द रहता है, तो सिंपली आपने रसभरी का सेवन करना होता है। दोस्तों, रसभरी में प्लेक्टिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। दोस्तों, ये थे कुछ फायदे रसभरी के। अगर आप इन समस्याओं से पीड़ित है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।